नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल जीके का सेट नंबर 11 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुल 10 सेट को कवर कर लिया है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। हम लोग प्रत्येक दिन जो है 20 क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, जो कि काफ़ी कम है। और आप इसे अगर लगातार करते हैं तो कम समय में ही जो है आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम तक जो है आपके पास एक बड़ा कलेक्शन होगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेट नंबर 11। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखें, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी और डेट था 9 फरवरी। तो ध्यान रखें, 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ध्यान रखें, पुनपुन नदी जो है ये फतुहा में गंगा नदी से मिलती है। कहाँ पर? फतुहा में, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश भाग किस मिट्टी से आच्छादित हैं? तो ध्यान रखें, बिहार का जो अधिकांश भाग जो है ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप ध्यान रखें, बिहार में सबसे पुराना कृषि विद्यालय जो है ये समस्तीपुर का पूसा कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार कब शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा पूछा गया है। तो ध्यान रखें, बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था। तो ध्यान रखें, भारत का पहला राज्य बिहार था जिसने कि भूमि सुधार कानून को बनाया था। हमारा अगला सवाल है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो आप ध्यान दें, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो ध्यान रखें, बिहार में मैजिक के लालटेन का लेक्चर यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ध्यान रखें आप, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला सवाल है, बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो आप ध्यान रखें, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी यह हुआ था चंपारण एवं सारण में। ठीक है दोस्तों, चंपारण और सारण में बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। अगला है, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो ध्यान रखें, पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। अगला सवाल देखिए, कई दफा पूछा गया है, शायद पिछले वर्ष ही आया था, तो आप इसे ध्यान रखें। कहता है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में किया गया, 1934। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो आप ध्यान रखें, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 ईस्वी में हुआ। ठीक है, प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 ईस्वी में हुआ। हमारा अगला सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई दफा पूछा गया है। कहता है कि सर्च लाइट अखबार निकालना किसने शुरू किया था, या सर्च लाइट अखबार का प्रारंभ किसने किया? तो ध्यान रखें, सर्च लाइट अखबार जो है
ये सचिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम के द्वारा निकाला गया था। ध्यान रखें, बड़ा नाम है सचिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम। नेक्स्ट है, किसने खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किया? तो ध्यान रखें, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व मजहरुल हक ने किया था। ठीक है दोस्तों, मजहरुल हक ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, फणीन्द्र नाथ घोष की हत्या किसने की? तो ध्यान रखें, फणीन्द्र नाथ घोष की हत्या जो है बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। ठीक है दोस्तों, बैकुंठ शुक्ल ने फणीन्द्र नाथ घोष की हत्या कर दी। अगला सवाल देखिए, बिहार युवक संघ की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार युवक संघ की स्थापना ज्ञान साहा ने की थी। ध्यान रखें, ज्ञान साहा ने बिहार युवक संघ की स्थापना की थी। अगला सवाल है, सौराठ सभा मेला बिहार के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? तो ध्यान रखें, सौराठ सभा मेला जो है ये मिथिलांचल में आयोजित होता है। सौराठ सभा, ठीक है, मिथिलांचल में। अगला है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? तो आप ध्यान रखें, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार नरुल अनवार था। ठीक है, नरुल अनवार जो है ये बिहार का पहला उर्दू अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी सेतु पुल जो है इस पुल का उद्घाटन कब हुआ था? तो ध्यान रखें, महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन 1982 ईस्वी में किया गया था, 1982 में, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया या कहा जाता है? तो आप ध्यान रखें, बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी इसे दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया। दोस्तों, ये हमारा सेट 11 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है सारे प्रश्न आपको तत्काल ही याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुआ तो एक बार आप क्या करें, वीडियो को जरूर दोबारा देखें, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा इसे याद करने के बाद कोई एक पीछे का जो पार्ट है उसे आप जरूर रिवाइज करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आपके शेयर से, अधिक लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। उम्मीद है आप इन सब चीज़ों को समझते हैं। धन्यवाद।